नमस्कार, स्वागत है आपका नो योर एमपी में, हमारा शो जिसमें हम आपको मिलवाते हैं आपके नेताओं से, उन सांसदों से जिनको आपने चुनकर भेजा है इस 15वीं लोकसभा में। हमारी आज की मेहमान इस लोकसभा के युवा सांसदों में से एक हैं। पहली बार 2009 का चुनाव जीतकर वे संसद में आई हैं। आइए बात करते हैं गुजरात के कच्छ से हमारी सांसद श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट से। पूनम जी, शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपने अपने राजनीतिक जीवन का जो शुरुआत की वो म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन लड़कर की, कैसे हुई ये शुरुआत? इनफैक्ट आई वॉज बॉर्न इन मुंबई, मेरा जन्म मुंबई में हुआ, वहीं मेरी पढ़ाई लिखाई भी हुई। मेरे फादर वहां पर भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस से जुड़े हुए थे, कार्यकर्ता थे, और बचपन से ही मैंने देखा कि वो पार्टी के लिए काम करते थे और पूरे घर में एक बीजेपी का माहौल था। और फिर जब 92 में मेरी शादी हुई और मैं कच्छ में, जो हमारा नेटिव भी है, वहां रहने आई, तो मेरे हस्बैंड भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते थे, तो बहुत यंग एज में मैंने भारतीय जनता पार्टी पक्ष को ज्वाइन किया एज ए युवा कार्यकर्ता और ग्रास रूट से काम करते करते 2000 में मुझे म्यूनिसिपैलिटी की टिकट मिली एंड मैं जीत कर आई। जितने काउंसिलर्स खड़े थे उनमें सबसे यंग एज मेरी थी और सबसे ज्यादा वोट मुझे मिले थे उस वक्त। और 5 साल हर साल एक नई नई कमेटी मुझे दी गई और उसमें मेरी अच्छी कामगिरी देखकर आगे मुझे लोकसभा की टिकट मिली 2009 में। जब आप अपने जीवन में पहले, जब आप पीछे देखती हैं अपने करियर को, तो क्या वो ऐसी चीज है जो लगता है कि इसकी वजह से आपको लोगों ने यहां तक पहुंचाया? इनफैक्ट आपको सच कहूं तो मैंने कभी म्यूनसिपैलिटी की टिकट मिलने के बाद, जीतने के बाद, हाँ मैंने सोचा था कि मैं ज्यादा से ज्यादा शायद म्यूनसिपैलिटी में प्रेसिडेंट बन जाऊंगी, क्योंकि चेयरपर्सन तो मैं हर नई नई कमेटी की 5 सालों तक रही, तो उसका मुझे अच्छा अनुभव रहा। तो मैं ज्यादा से ज्यादा, मेरे ड्रीम्स प्रेसिडेंट तक सीमित थे कि म्यूनसिपैलिटी की प्रेसिडेंट बन जाऊंगी या फिर ग्रास रूट पर कहीं और पार्टी में, संगठन में कुछ काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन टू बी ट्रू, मैंने कभी ये सपना भी नहीं देखा था कि आई कुड बिकम एन एमपी। ठीक है, पॉलिटिक्स में आप आगे बढ़ोगे तो आप सोचोगे कि आप किसी इलाके का एमएलए बन जाओगे, लेकिन एमपी एक बहुत बड़ी सीट है एंड आई शुड रियली थैंक हमारे आदरणीय मोदी साहब को, उन्होंने ही मुझे ये मौका दिया और वो मेरे गॉड फादर हैं पॉलिटिक्स में। जी जी, और उन्हीं की वजह से आज मैं इस लेवल तक पहुंची हूं, दैट्स व्हाट आई थिंक। कई बार जब एक महिला आती है राजनीति में इतनी दूर तक जहां तक आप पहुंची हैं, तो या तो एक राजनीतिक परिवार से होती हैं या किसी की पत्नी होती हैं या किसी की, बहुत कम ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब वो अपने बलबूते पर इतनी दूर तक आती हैं। आप इसका श्रेय किसको देती हैं? इनफैक्ट अगर मेरी पार्टी की ही बात करूं तो हमारी पार्टी कोई डायनेस्टी वाली पार्टी नहीं है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहां बहुत सारे लोगों को कोई बैकग्राउंड न होने के बावजूद भी हमारे लीडर्स को मौका मिला है, जैसे अडवाणी जी हैं, उनकी कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था तो भी आज वो इस लेवल पे पहुंचे हैं। अगर आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की बात करूं तो उनका भी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड न होने के बाद भी वो आज गुजरात के सीएम हैं, तो मुझे लगता है उन्हीं की तरह मैं भी, मेरा कोई ज्यादा पॉलिटिकल बैकग्राउंड या डायनेस्टी न होने के बावजूद भी आई हैव रीच्ड दिस स्टेटस, तो आई फील आई एम ए लकी पर्सन। और इसमें कच्छ के लोगों का प्यार भी है जिसने मुझे ये सत्ता का स्थान दिया है। जी, 15वीं लोकसभा की एक बड़ी जो खूबी है उसमें ये है कि कई युवा सांसद हैं और कई महिला सांसद भी हैं, जो पिछली कई लोकसभा के कंपैरिजन में ज्यादा है। कैसा अनुभव रहा आपका अभी तक लोकसभा की जितने सेशन हुए उनका? बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला है एंड अगर पूरे पार्लियामेंट को मैं देखूं तो आई फील आई हैव जॉइंड कॉलेज अगेन, ऐसी फीलिंग आती है। क्योंकि आप देखिए, आप वहां जाते हैं, अब सांसद हो तो आपको स्टडी करना पड़ता है, तो आप समझ लीजिए आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, आप स्टडी कर रहे हो और फिर एक सेंट्रल हॉल है जो एक कैंटीन जैसा मुझे लगता है कि आप जब वहां थक जाते हो तो जाके सेंट्रल हॉल में बैठो तो सारे नए फ्रेंड्स आपको मिलते हैं, सारे एमपीज वो भी आपको काफी गाइड करते हैं, और कॉलेज की तरह शोर शराबा भी। बिल्कुल, दैट आई वोंट से, लेकिन थोड़ा बहुत, लेकिन इट्स टोटली एक एंजॉयबल फील है और आई फील यू नो कि आई लव माय दिस जॉब, मुझे बहुत अच्छा लगता है और एक जैसे जिसे कहते हैं ना एक जॉब सेटिस्फेक्शन, तो पार्लियामेंट में आकर मुझे वो जॉब सेटिस्फेक्शन जैसा मिला है। इट्स एंजॉयिंग टोटली, बहुत कुछ सीखने और जानने को मिला है एंड आई फील यू नो कि आई एम अ लकी पर्सन कि आई कुड कम एट दिस लेवल एट अ यंगर एज। जी जी, लेकिन कई लोग जो आजकल के युवा हैं उनमें एक तरह से एक
एक ये भावना उमड़ कर आ रही है कि जो हमारे राजनेता हैं, जो सांसद हैं, वो ज्यादा काम नहीं करते, उन पर एक भरोसे की कमी दिखती है, खासतौर से जब मीडिया में उनकी एक खास तरह की छवि पेश की जाती है। उसको ये जो धारणा बनती जा रही है लोगों के बीच में कि जो सांसद हैं वो काम नहीं करते हैं, बस शोर शराबा करते हैं, इसके बचाव में आप क्या कहना चाहेंगे? इनफैक्ट यू नो, थोड़ा बहुत हर जगह रहता है, ऐसा मैं नहीं कहती कि जो पब्लिक सोचती है वो बिल्कुल गलत है, लेकिन वो हर पर्सन पर डिपेंड करती है। आप ये नहीं, आप बेसिकली सबको गलत नहीं कह सकते, पर्सन पर्सन में फर्क होता है। अगर मैं गुजरात की बात करूं तो जो हमारे लीडर हैं, जिनको हम अपना गॉडफादर भी समझते हैं, आदरणीय मोदी जी, तो वो 24 घंटे में से 18 आवर्स काम करते हैं, तो हम उन्हें देखते हैं, तो वो हमारे आइकॉन हैं, तो हम उनके जैसे बनने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये कहना कि सभी लोग काम नहीं करते या फिर सभी अपना टाइम पास करते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत देखे हैं ऐसे एमपीज, यहां भी देखे हैं पार्लियामेंट में, जो घंटों पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं और फिर यहां आकर अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। क्या क्या वो क्वालिटी है जो एक अच्छे एमपी में होनी चाहिए? आप एक ऐसे प्रदेश से आती हैं जहां पे मेरिट या काम की बहुत बड़ी भूमिका है, खासतौर से जहां पे राजतंत्र की बात करते हैं, मोदी जी से लेके नीचे तक सब लोग बहुत मसरूफ रहते हैं अपने काम में। एक अच्छे एमपी की क्या क्वालिटी है, क्या वो खूबियां होनी चाहिए एक आदर्श सांसद में? जो मैंने देखा, आई फील यू नो कि लोगों की अपेक्षाएं आपसे ये होती हैं कि आप उनकी बात सुने, उनकी बात समझें, उनको सुन लें प्रॉपरली। काम बेसिकली आपके सामने 10 होंगे तो उसमें से 5 होंगे पूरे काम नहीं होते, ऐसा मैं मानती हूं, लेकिन आप लोगों को सुनेंगे, उनके प्रति अटेंटिव होंगे और उन्हें इजीली अवेलेबल होंगे कि जब वो आपको फोन करे तो आप उनका फोन अटेंड करेंगे, उन्हें वाया वाया आप तक पहुंचना नहीं पड़ेगा। एंड इफ यू आर ऑनेस्ट टूवर्ड्स योर वर्क एंड टूवर्ड्स योर पीपल, तो मुझे लगता है ये दो क्वालिटीज से आप काफी कुछ अचीव कर सकते हो। आप एक ऐसे एरिया को रिप्रेजेंट करती हैं जो शायद सबसे बड़ा चुनावी क्षेत्र हो, सबसे बड़ी कंस्टिट्यूएंसी है देश की, कच्छ का जो रीजन है, क्या क्या खास चुनौतियां हैं ऐसे रीजन का नेतृत्व करने की? इनफैक्ट जहां तक कच्छ की बात है तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड यूनिक रीजन, और मुझे लगता है कि आई एम इन लव विथ कच्छ। एंड बेसिकली अगर आप किसी चीज को प्यार करते हो तो आप उसके लिए बहुत बहुत कुछ करना चाहते हो। और कच्छ में मुझे जो प्रॉब्लम्स हैं, तो जैसे हमारी वहां भारतीय जनता पार्टी की, आदरणीय मोदी साहब की गवर्नमेंट बहुत सारा काम कर रही है, और विकास की बात करें तो 10 साल में सबसे ज्यादा कोई एरिया ने प्रोग्रेस किया होगा तो वो कच्छ है। गुजरात में बहुत सारी इंडस्ट्रीज आई हैं, बेसिकली लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई गया है, प्रॉब्लम्स वहां ये नहीं है। बस मुझे एक चुनौती ये है कि क्योंकि 400 किलोमीटर्स का एरिया है और मेरे पास टाइम इतना नहीं होता, बिकॉज आई हैव टू स्पेंड 6 मंथ्स हियर इन दिल्ली, और उसके बाद में आई शुड से आई एम लकी कि सबसे ज्यादा पार्लियामेंट से फॉरेन जाने का मौका मुझे मिला। तो उसमें फिर बेसिकली मेरे रीजन के लिए टाइम कम रह जाता है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि जो टाइम मुझे मिलता है, जो 3-4 महीने पूरे साल में, वो मैं कच्छ में ट्रैवल करूं, हर गांव में जाऊं। दूर दराज इलाके हैं, एक गांव में जाना हो तो भी आपको 3 घंटे वहां जाकर ट्रैवल करके 1 घंटा आप वहां रुको और 3 घंटा रिटर्न आना पड़ता है। लेकिन एक जिसे कहते हैं ना, व्हेन यू लव सम प्लेस, तो आपको फिर वो ज्यादा थकावट भी नहीं लगती, एंड योर ईगर एक्साइटमेंट भी रहता है, और ज्यादा से ज्यादा कच्छ में ट्रेवल करके लोगों के जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं, जो ग्राम कोई भी ग्राम पंचायत में होते हैं, तो मुझे लगता है कि वहां जाकर उनको मिलकर उसे सॉर्ट आउट करना मुझे अच्छा लगता है। न केवल कच्छ एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लेकिन एक बहुत ही नायाब किस्म की वहां पे टोपोग्राफी है, एरिया जो है बहुत अलग है बाकी देश से, उसकी क्या खासियत है हमें बताएं? इनफैक्ट अगर पहले मैं बताऊं तो कच्छ एक ऐसा रीजन है, पूरे इंडिया में आपको तीनों चीजें वहां एक साथ मिलेंगी, जैसे वहां पर दरिया है, सी है, माउंटेन्स है और रेगिस्तान है, ये तीनों चीजें आपको कहीं इंडिया में नहीं मिलती। अगर आप राजस्थान भी देख लो तो आपको वहां पर सी नहीं मिलेगा, यू विल फाइंड माउंटेन्स एंड रेगिस्तान, लेकिन सी नहीं है। लेकिन कच्छ में यू विल फाइंड बीचेस, आपको काला डूंगर नाम के पहाड़ भी मिलेंगे, और आपको व्हाइट रण है जो पूरे इंडिया में कहीं नहीं है, ऐसी यूनिक प्लेस है व्हाइट रण, वो आपको देखने को मिलता है। तो आई थिंक यू नो इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस, और जैसे अमिताभ जी को खुद कहना पड़ा कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, तो ऐसे रीजन से मैं एमपी हूं, तो आई थिंक आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय प्लेस। और फिर कच्छ हमारा नेटिव है,
हमेशा से हमारे फोर फादर्स वगैरह वहीं रहे हैं, तो आई फील आई हैव अ टोटल अटैचमेंट टूवर्ड्स दैट प्लेस. बहुत खूबसूरत जगह है और बचपन से ही एक किस्म का अटैचमेंट रहा है मुझे कच्छ से. तो आज भी यू नो, जब एमपी बन जाने के बाद आई फील आई एम वेरी लकी टू बी द एमपी ऑफ कच्छ. और कच्छ में जो थोड़ा बहुत अब जो हमारी सरकार काम, मुझे नहीं लगता ज्यादा कोई काम बाकी है. बहुत प्रोग्रेस हुआ है कच्छ में, लेकिन फिर भी यू नो, जितना आप काम करोगे लोगों की अपेक्षाएं आपसे उतना बढ़ेंगी. तो अगर कुछ लोगों की अभी और भी मुझसे अपेक्षा है तो मुझे लगता है कि मुझे वो पूरी करनी है पूरी ईमानदारी से. जो हाथकरघा लघु उद्योग है, जो हैंडीक्राफ्ट है, वहां का कच्छ का बहुत फेमस है. किस प्रकार के काम हैं जो वहां के लोगों में ज्यादा किए जाते हैं? हैंडीक्राफ्ट का जो इलाका है कच्छ का, बनी विस्तार जिसको कहते हैं, वहां का हैंडीक्राफ्ट काफी फेमस है. वैसे तो कच्छ की सारी जितनी भी कम्युनिटीज हो, फिर वो आहिर हो, फिर मेघवाल हो, या फिर वहां मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग बसते हैं, उनकी अपनी अपनी अलग अलग प्रकार की शैली में वो हैंडीक्राफ्ट करते हैं. लेकिन आज मुझे खुशी होगी कि इन 10 सालों में यहां दिल्ली में भी आप कुछ कच्छ का सामान खरीदने जाओगे तो आपको इजिली मिल जाएगा. आप लंदन में भी जाओगे, आप कच्छ का कुछ सामान मांगोगे तो वो आपको इजिली मिल जाएगा. तो पूरे वर्ल्ड में अब तो काफी कच्छ फेमस हो गया है और हैंडीक्राफ्ट भी हमारा हर जगह पहुंच गया है. जैसे कच्छ के लोग हर जगह पहुंच गए, वैसे हैंडीक्राफ्ट भी पहुंच गया है. लेकिन इन 10 सालों में काफी, और अब जो रणोत्सव कच्छ में होता है, जो डेजर्ट फेस्टिवल, उसकी वजह से भी काफी प्रसिद्धि कच्छ के हैंडीक्राफ्ट को मिली है और करोड़ों रुपयों की आमदनी हमें हर साल रणोत्सव से होती है. कच्छ एक बहुत खूबसूरत इलाका है और काफी कुछ मुझे लगता है 15 साल पहले पूरे गुजरात में अगर कोई पिछड़ा इलाका था तो वो कच्छ कहा जाता था. लेकिन कच्छ में 2001 में भूकंप आया, बहुत सारे लोग उसमें गुजर गए, 10,000 लोगों की जान हानि हुई, बहुत ही माल हानि भी हुई. लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कच्छ को एक नया रूप मिल गया और आज जो कच्छ है वो इन 10 सालों में बहुत आगे बढ़ गया है. और कच्छ, जैसे मैं कहती हूं कि कच्छ के लोगों ने भी कभी ये नहीं सोचा होगा कि कच्छ आज इस स्थिति में पहुंच जाएगा, क्योंकि आज से 20 साल पहले बहुत सारे लोग कच्छ को छोड़कर चले गए थे और पूरे वर्ल्ड में बस गए थे. लेकिन आज वही सारे लोग जो अब लंदन में बसे हुए हैं, अमेरिका में बसे हुए हैं, वो वापस कच्छ में आना चाहते हैं. कच्छ के बारे में और हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद. वक्त आ गया एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के उस पार हम अपने सवालों का सिलसिला जारी रखेंगे. आप बने रहिए हमारे साथ. ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है. हम बात कर रहे हैं गुजरात के कच्छ से हमारी सांसद श्रीमती पूनम बेलजीभाई जाट से. पूनम जी, हम कच्छ की बात कर रहे थे. एक बड़ा भूकंप आया था 2001 में और काफी नुकसान हुआ था उससे. क्या कच्छ को, कच्छ की एक बड़ी समस्या भूकंप प्रोन होना भी है? बिल्कुल, वो ज़ोन 5 में आता है अर्थक्वेक के, और हर 50 से 60 साल के बाद कच्छ में एक बहुत विनाशक बड़ा भूकंप आता है. 1953 में भी आया था, 2001 में भी आया था, और आगे भी भविष्य में भूकंप की संभावनाएं हैं कच्छ में. लेकिन इसके बावजूद भी अब जबकि 2001 में बहुत नुकसान हुआ था कच्छ में, 10,000 लोग मर गए थे, लेकिन हमने अब बिल्डिंग्स इस तरह से बनाई हैं कि वो 1+1 हो और भूकंप के स्ट्रक्चर से बनी हुई हो ताकि नुकसान कम हो कच्छ में, जब भी कभी कभार भी भविष्य में अगर भूकंप आता है तो. एक वहां का इंडिजिनस जो लोकल बिल्डिंग टेक्निक है जिसको बुंगा कहते हैं, वो भी शायद इसी को भूकंप के प्रभाव से बचने के लिए. जरा उसके बारे में हम बताएं. बुंगा एक मिट्टी से बना हुआ स्ट्रक्चर है, राउंड है. वो राउंड इसलिए कि अगर भूकंप का बहुत झटका लगे तो भी उसके स्ट्रक्चर की वजह से वो गिरेगा नहीं, और अगर गिरे भी तो वहां अंदर बसे हुए लोगों को ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसमें वो लोग प्लास्टर वगैरह मिट्टी से करते हैं. तो मुझे लगता है कि कच्छ में पहले, आज तो अब तो बिल्डिंग्स वगैरह बन गई हैं, लेकिन पहले जमाने में आज से 50 साल पहले वो बुंगे ही हुआ करते थे. लेकिन आज तो कच्छ भी काफी मॉडर्न हो गया है. हम सीमेंट और कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स बनाने लग गए हैं, लेकिन अब ये ध्यान रखते हैं कि उसमें ज्यादा फ्लोर्स ना हो और जो स्ट्रक्चर है वो भूकंप प्रूफ हो. जी पूनम जी, हाल ही में एक बड़ी बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी, एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था दिल्ली में एक युवा महिला के साथ, और वो कहीं ना कहीं दर्शाता है उत्तर भारत में एक जो मानसिकता है महिलाओं के प्रति उसको.
आप एक नेता हैं, एक महिला नेता हैं, एक युवा नेता हैं, आप इस तरह की जो दरिंदगी की घटनाएं होती हैं इनको रोकने के लिए क्या सुझाव हैं आपके? इनफैक्ट अगर बेसिकली मैं दिल्ली की बात करूं तो आप यू विल बी सरप्राइज्ड कि आज भी अगर 8 बज जाए ना तो मैं दिल्ली में अपने घर से बाहर नहीं निकलती, आई एम सो अफ्रेड। लेकिन वही अगर मैं कच्छ की बात करूं तो एक 400 किलोमीटर्स का एरिया है, अगर मैं मोरबी रात को मुझे 1 बज जाते हैं तो भी आई कैन रिटर्न अलोन विद द ड्राइवर बैक टू माई होम विच इज 200 किलोमीटर फ्रॉम मोरबी, मुझे डर नहीं लगता। लेकिन अगर दिल्ली की बात करूं, गुजरात और दिल्ली में यही फर्क है कि वहां एक अमन है, शांति है, लेडीज भी काफी सुरक्षित हैं, उन्हें डर नहीं लगता। रात को घर बार देर तक करें और फिर भी घर जाए अकेली तो उन्हें ये डर नहीं लगता कि हमें कोई भी कुछ प्रॉब्लम रहेगा। लेकिन दिल्ली में बेसिकली एक सांसद होने के बावजूद भी मैं आज भी डरती हूँ 8 बजे के बाद में, मेरे कोई इंटरव्यू हो या कोई हमारा कोई फैमिली फ्रेंड हो मुझे डिनर पे अकेले इन्वाइट करे तो आई विल अवॉइड, आई विल नॉट गो। तो ये गुजरात जो बाकी उत्तरी भारत की मानसिकता उससे अलग है, अलग है तो कैसे अलग है? इनफैक्ट अलग ही है क्योंकि मैं अपने खुद के अनुभव से कह रही हूं, मैं वहां रहती हूं 20 सालों से रह रही हूं कच्छ में, तो एक बहुत ही अमन का माहौल है, कोई डर नहीं है। और आप तो कुछ दिन पहले कच्छ गए भी हैं, रिमोट एरिया है, दूर दराज गांव है, लेकिन वहां भी आप गांव में भी किसी लेडी को पूछेंगे ना, उन्हें एक गांव से रात को दूसरे गांव जाना होगा ना तो उन्हें कोई डर नहीं लगता। लेकिन वो बात यहाँ दिल्ली में नहीं है, तो अब जो है बेसिकली अब उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। एक ऐसी जगह जहां सांसद भी डरते हों तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा बहुत ही सीरियस मैटर है और इसके लिए खास करके दिल्ली की सरकार और केंद्र की कांग्रेस की सरकार को मिलकर कुछ ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए कि लेडीज शुड फील सेफ इन दिस सिटी। आज भी कुछ दिन पहले एक मेरी फ्लाइट रात को मिस हो गई, आई हैव टू ट्रैवल क्योंकि डायरेक्ट कोई दिल्ली के लिए फ्लाइट कच्छ से है नहीं, तो आई हैव टू गो टू बॉम्बे एंड फ्रॉम देयर आई कैच अ फ्लाइट टू दिल्ली। तो अगर मैं कच्छ को शाम को कोई 5 बजे की फ्लाइट पकड़ूं तो मैं 7 बजे अगर बॉम्बे पहुंचती हूं, तो वहां से अगर रात की 8 बजे की फ्लाइट है दिल्ली के लिए तो मैं रात को 10 बजे यहां नहीं आना चाहती, मैं अवॉइड करती हूं, आई गो बैक टू माई होम इन मुंबई एंड स्टे द नाइट देयर, इन द मॉर्निंग आई कैच अनदर फ्लाइट। तो ये एक कैपिटल है और पूरे देश जिसे कहते हैं शान है, दिल है दिल्ली, लेकिन अगर इसकी इमेज ऐसी बनेगी तो आप सोचिए बाहर से आने वाले लोग क्या फील करेंगे। लेकिन राजनीति एक ऐसा जरिया है जो महिलाओं को सशक्त बनाता है, उनको एम्पावर करता है, और राजनीति में आने के बाद जो एक महिला है वो एम्पावर्ड फील करनी चाहिए, लेकिन आपका जो व्यक्तिगत एग्जाम्पल है आपको नहीं लगता सुरक्षित दिल्ली में, क्या क्या सुझाव है, क्या होना चाहिए? एम्पावरमेंट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन सुरक्षा वो एक अलग बात है। हाँ आज मैं सांसद हूं तो आई फील कहीं ना कहीं जो आप अगर एक सांसद बन जाते हो तो आपका जेंडर नहीं रहता, यू बिकम मोर लाइक अ मैन बिकॉज ऑफ द स्टेटस ऑफ योर सीट। लेकिन जहां तक लेडीज की सुरक्षा है दिल्ली में, मुझे लगता है अभी यहां बहुत कुछ करना बाकी है जी, और ये पॉलिटिक्स नहीं है, दिस इज व्हाट आई फील ट्रू थिंग। अगर जो गुजरात में है अभी सिचुएशन वो दिल्ली में रेप्लिकेट की जाए, या दिल्ली में वहां का जैसा माहौल है अमन का, शांति का, सुरक्षा महसूस, सुरक्षित महसूस करती है महिला वहां पे, वैसा अगर कोई कोशिश दिल्ली में की जाए तो दिल्ली सरकार के लिए आपको क्या सुझाव होंगे? मुझे लगता है पहले यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली आई फील सैड बिकॉज यहाँ की जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी महिला हैं, तो उनसे बट नेचुरल अगर चीफ मिनिस्टर महिला है तो उनसे लोगों को, महिलाओं को खास करके बहुत अपेक्षाएं हैं, लेकिन वो उन अपेक्षाओं पे कहीं ना कहीं पूरी नहीं उतरी हैं। तो वेन आई सी आज नहीं, आज से 10 साल पहले भी जब मैं एमपी नहीं थी और हम दिल्ली विजिट करने आते थे तो यही असुरक्षा की भावना दिल्ली में थी जो हमारे गुजरात में नहीं थी तब भी, तो वो सिचुएशन आज बद से बदतर होता जा रहा है सुधरने की जगह पर। तो मुझे लगता है कि अब जब लोग इतने जागरूक हो गए हैं तो अब लोगों को ही एक इनिशिएटिव लेकर कुछ बदलाव लाने चाहिए जी। आप बहुत विदेशों का दौरा किया है एक सांसद के रूप में, कैसी छवि आप वहां पाती हैं भारत की? जहां भी मैं गई वहां पर ओवरऑल, क्योंकि मैं गुजरात को बिलोंग करती हूं तो आपको कहीं ऐसा लगेगा कि मैं गुजरात
आपके ज्यादा प्रशंसा कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है जो मैंने देखा, जो मैंने जाना, ऐसे सांसद जो मेरे अनुभव रहे। तो मैं जर्मनी का एक एग्जाम्पल दूंगी, तो वहां मैं गई तो उन्होंने मुझे एक ही बेसिकली, हम फिक्की के थ्रू गए थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आप हमसे ट्रेड क्यों नहीं बढ़ा रहे हो इंडिया से जी। तो उन्होंने मुझे ये जवाब दिया कि अगर हमें ट्रेड बढ़ाना हो तो हम गुजरात के साथ बढ़ाने को तैयार हैं, लेकिन हम इंडिया से इसलिए नहीं बढ़ा रहे क्योंकि रेड टेपिज्म है, वहां कोई भी फाइल हम डालें तो वो जल्दी क्लियर नहीं होती है। तो बहुत सारे ऐसे ऑब्स्टेकल्स हैं जो हमें इंडिया गवर्नमेंट के साथ में आते हैं। तो मुझे लगता है कुछ पॉलिसी चेंजेस अब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी करने चाहिए ताकि ज्यादा विदेश से निवेश यहां हो सके। जी, 2014 बहुत निकट है हमारे, जब री इलेक्शन की बात होती है, और गुजरात एक एग्जाम्पल होता है कई मायनों में, जो देश की स्थिति की बदलाव की जहां बात होती है, गुजरात एक एग्जाम्पल हो जाता है कि ऐसा होना चाहिए पूरा देश। क्या देखती हैं आप, कैसे प्रिडिक्ट करती हैं आने वाले समय? इनफैक्ट यू नो, जब मैं यहां, किसी और की बात नहीं है, ये मेरे खुद का अनुभव है, एंड आई सिट इन द पार्लियामेंट एंड आई कंपेयर गुजरात विद अदर स्टेट्स, बट नेचुरली इट इज नेचुरल। आप अपने घर में हो और अपने किसी फ्रेंड के घर जाते हो तो आप देखोगे ना वहां उनके घर में क्या है, आपके घर में क्या है, एक ह्यूमन नेचर है। तो मैं दूसरे राज्यों का अपने राज्य से जब कंपैरिजन करती हूँ तो खुशी भी होती है और दुख भी होता है। खुशी इसलिए होती है कि वी आर द बेस्ट, लेकिन दुख इसलिए होता है कि ये पूरा इंडिया, ये भी तो हमारा अपना ही है ना, तो इसमें भी सुधार, जो दूसरे राज्य हैं जहां जहां जो कमियां हैं उन्हें पूरी की जाए। जैसे अगर मैं पावर की बात करूं तो आज गुजरात में 24 घंटे लाइट है, और जब मैं दूसरे राज्यों में जाती हूं तो मैं वहां देखती हूं कि बार बार लाइट जा रही है, लाइट के बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो आज 60 साल हमें आजादी मिलकर हो गए हैं, तो बेसिकली अभी हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा नहीं कर पाए पूरे देश में, तब दुख होता है, तब लगता है कि डेवलपमेंट गुजरात में हुआ है वैसा ही वैसा पूरे देश में हो तो हम गर्व से कह सके कि हमने हिंदुस्तान में काफी काम किया है। तो कहीं ना कहीं पॉलिसी का पैरालिसिस है, वो भी आई फील, एंड आई फील यू नो के जैसे गुजरात में आदरणीय मोदी साहब ने बहुत काम करके एक डेवलपमेंट का मॉडल खड़ा किया है, उसी तरह से पूरे इंडिया में भी हो, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन गुजरात एज अ स्टेट, उसकी कोई खासियत है जहां पे ये ऐसे इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा इजी है बनिस्बत इसके दूसरे प्रदेशों से? नहीं, ऐसा नहीं है, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट। जैसे कोई भी काम है, जैसे कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है तो आप देखिए रोड्स हमारे अच्छे हैं, ब्रिजेस हैं जो जहां जैसा होना चाहिए वैसे हैं, जो पोर्ट्स हैं वो हमारा अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसके पीछे मेहनत तो लगी है ना सारे लोगों की, इवन द ब्यूरोक्रेसी, द इलेक्टेड पीपल, सबने मिलकर। तो क्या हम वैसा यहां इंडिया में या सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे हिंदुस्तान में नहीं कर सकती? जी चलिए, इसी आशा के साथ हम इस इंटरव्यू को अंत करते हैं। पूनम जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थी गुजरात के कच्छ से हमारी सांसद श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे एक और सांसद के साथ, तब तक के लिए मैं धीरज सिंह अपनी पूरी टीम के साथ आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। कि बदलाव की जहां बात होती है, गुजरात एक एग्जाम्पल हो जाता है कि ऐसा होना चाहिए पूरा देश। मैं दूसरे राज्यों का अपने राज्य से जब कंपैरिजन करती हूं तो खुशी भी होती है और दुख भी होता है। खुशी इसलिए होती है कि वी आर द बेस्ट, लेकिन दुख इसलिए होता है कि ये पूरा इंडिया, ये भी तो हमारा अपना ही है ना, तो इसमें भी सुधार, जो दूसरे राज्य हैं जहां जहां जो कमियां हैं उन्हें पूरी की जाए। वॉच नो योर एमपी सैटरडे 8:30 PM ओनली ऑन लोकसभा टेलीविजन।